हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये हमारा भाग एक रहेगा। ये विज्ञान के ऐसे प्रश्न हैं जो 15 से 20 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले रेलवे का हो, एसएससी का हो, हमारे एमपीपीएससी में पटवारी का हो, एमपीपीएससी का हो, कांस्टेबल का हो, एसआई जिसमें तो साइंस बहुत अच्छा रहता है कांस्टेबल में, तो उनके लिए आपको बस यही वन लाइनर फैक्ट पढ़ना है। 1200 ये वन लाइनर फैक्ट है, आपको बस इन्हीं को ही पढ़ना है। ये आज मैं भाग एक लेके आई हूँ, वीडियो में भी हम कवर करेंगे। अगर आप इसके जो है पूरे पार्ट एक साथ अभी लेना चाहते हैं तो एक साथ इसके पूरे जो 1200 भागे मिले हैं, करीब 200 पेज हैं इसमें, और इसकी प्राइस मैंने बहुत कम रखी है, केवल 99 रुपीज़ रखी है इसकी प्राइस। तो 99 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ आप इंस्टामोजो द्वारा भी इसको ले सकते हैं। अगर आप इंस्टामोजो द्वारा नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 6260190944 पर। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे भी आप मुझे फ़ोन पे या गूगल पे द्वारा ये पीडीएफ ले सकते हैं। 207 पेजेस की ये पीडीएफ है, और जब आप इसको फोटोकॉपी भी कराएंगे तो फोटोकॉपी 60-70 रुपए में आपकी फोटोकॉपी हो जाएगी, अच्छी जो बाइंडिंग करा के मिला के 70 समथिंग में हो जाएगा, तो आपके पास ये 160-170 में बहुत अच्छी एक कॉपी बन जाएगी, 1200 प्लस प्रश्नों की, अच्छी मोटी। और बस आपको एग्ज़ाम टाइम में इसी को ही बार बार, साइंस का अगर आपको पार्ट का है तो बोलते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम सॉल्यूशन, ये कुछ नहीं पढ़ो, आप बस इसी को ही पढ़ो। ये जो रिवीजन क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें 15 से 20 सालों का कवर किया, जो मेरा एमपीपीएससी का नोट्स बन रहा है उसमें भी मैं ये आपको 1000 प्रश्न उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके अलावा अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी आप अभी लेना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप ये 99 रुपये में इसको, इसकी पूरी जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीन का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया था? तो जीन का संश्लेषण सबसे पहले जो किया था वो किया था हरगोविंद खुराना ने, याद रखिएगा, और हरगोविंद खुराना को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा, मेंढक का जो हृदय होता है उसका प्रकोष्ठ जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, जबकि अगर हमारा मनुष्य का बात करें तो मनुष्य का 4 भागों से मिलकर बनता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 10% होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल होता है। कितना होता है? 65 से 80% तक जल होता है। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है, मैंने मेडिसिन भी ले ली है लेकिन पता नहीं वो कब तक चलेगी, तो गला भी ठीक नहीं हो रहा है और सर्दी भी ठीक नहीं हो रही है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज बॉल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र जीन जिससे जाते हैं एक जगह से दूर, इस तरह की संरचना होती है गुणसूत्र की, उसकी खोज किसने की थी? बॉल्डेयर ने की थी। किसने? बॉल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? बॉल्डेयर ने की थी। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जैसे कि आलू है तो कायिक कोशिकाओं, जैसे कि एक से ही दूसरी कोशिका बन रही, जैसे कि ये है इससे ही दूसरी बन गई, फिर ये दूसरी बन गई, फिर ये इससे दूसरी बन गई, है ना, और फिर ये इससे, इस टाइप से एक से ही दूसरी बनती रहती है, वो कायिक कोशिकाएं बोलते हैं। मनुष्य के मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं मनुष्य के मेरुदंड में। कितनी? 31 जोड़ी। अमरूद, अंगूर और टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति खाया जाता है। आम, पपीता तथा बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फलभल भित्ति खाया जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम, फूल को खाया जाता है, हम फूल खाते हैं फूल गोभी का। हल्दी का जो पीला रंग होता है, हल्दी जो पीले रंग की जो हमें बहुत फ़ायदा करती है, एंटीबायोटिक गुण होता है उसमें, तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन,
किसके कारण? कुरकुमिन के कारण। ऐसे याद रखिएगा, हल्दी को कुरकुरा होता है, वो पीला पीला रहता है ना, हल्दी की जो खड़ी हल्दी रहती है वैसा रहता है, तो कुरकुरा भी पीला पीला होता है, तो कुरकुरे बोलते हैं। ऐसे हल्दी भी कुरकुरे टाइप की स्ट्रक्चर रहता है, तो ऐसे कुरकुमिन करके याद कर लीजिएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है, और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डोवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डोवे ने की थी 1949 में। प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रेनल। एड्रेनल जो हार्मोन है वो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। कौन सा? एड्रेनल हार्मोन। तने की वृद्धि दर किससे नापते हैं? ऑक्सीनोमीटर से। तने की वृद्धि को किससे नापते हैं? ऑक्सीनोमीटर से नापते हैं। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 22। हमारी बॉडी में 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। उर्वरकों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? जो उर्वरक होते हैं उनमें 3 मेन तत्व उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस। बीज की बुआई के समय किस उर्वरक का प्रयोग होता है? पोटास का होता है। बीज की बुआई के समय किस उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं? पोटास का प्रयोग करते हैं। ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? इस्पात स्टील में। हम जब भी हम आप देखो हम लोहे पे डंडा मारेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, उसके बाद प्लास्टिक पे मारेंगे या जल में मारेंगे और तो नहीं आएगी आवाज़, हो गया इसमें तो आएगी नहीं तो। लेकिन इस्पात में जो होता है, स्टील लोहे में जब जितने लोहे में ठोकने पीटने में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इस्पात का वेग सबसे ज़्यादा होता है। गन धातु में क्या होता है? जो गन धातु होती है वो 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है, कापर, टिन और जिंक। कापर मतलब CU, SN मतलब होता है टिन, और ZN मतलब होता है जिंक। तो जो गन धातु होती है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है, कापर, टिन और जिंक। बांस किस कुल का पौधा है? बांस घास कुल का पौधा है। बांस किस कुल का पौधा है? घास कुल का पौधा है। एसिड किस में बदलता है? एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। एसिड किस में बदलता है? एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में। याद रखिएगा, एसिड नीले को लाल में बदलता है, और जो बेस होता है मतलब जो क्षार होता है वो लाल को नीले में। क्षार जब आएगा तो लाल याद रख, क्षार लाल को नीले में बदलता है, और अम्ल नीले को लाल में बदलता है, याद रखिएगा। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार, कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, तो सबसे अच्छा जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जो हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं पाया जाता। तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा फूल, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो है रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। एक फैदम किसके बराबर होता है? एक फैदम किसके बराबर होता है? 6 फीट। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सारगासो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? क्या हुआ? सारगासो जो समुद्र है, वहाँ क्या अटलांटिक महासागर में जो वनस्पति उग आई है एक, तो उस वनस्पति का जो नाम है, वो वनस्पति क्या है? पूरे सागर के बीचों बीच में ऐसी उग आई है, तो और उस वनस्पति का नाम है सारगासो, तो वो ऐसी लगती है हरा हरा सागर हो, तो इसीलिए उस समुद्र का नाम पड़ गया है सारगासो सागर। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग आपसे पूछे जीव द्रव्य का प्रयोग किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। और अभी पूछ रहे हैं जीन शब्द का किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डिवरीज ने दिया। अब डिवरीज भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। उत्परिवर्तन क्या होता है? देखिए, उत् मतलब होता है अचानक, और परिवर्तन हमारे शरीर में जब भी कोई परिवर्तन अचानक से होता है तो वह उत्परिवर्तन कहलाता है। इसको किसने बताया था, सिद्धांत किसने किया था? ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। लेंज का नियम किसने दिया? लेंज का, लेंज है तो भाई लेंज ने ही दिया होगा। और ये किससे संबंधित है? ये द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे प्रश्न हैं।
मेरी मानिएगा, आप ये 99 रुपीज़ में ले लीजिए, आप अपने फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे जाके और अपनी फ़ोटोकॉपी, मैं भी इसको आपको दे सकती हूँ हार्ड कॉपी में, लेकिन मैं आपको दूंगी, फिर आपके घर तक जाएगा, घर तक जाएगा तो वो कुरियर चार्ज भी लग जाएगा और वही फ़ोटोकॉपी मैं कराऊँगी, वही फ़ोटोकॉपी आप कराएंगे तो वही आपका हो जाएगा। तो आप इसको लेके फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, 50-60 रुपये में फ़ोटोकॉपी हो जाएगी, 150 रुपये में बढ़िया बुक मिल जाएगा आपको 1200 प्रश्नों का, उन्हें बस याद कर लीजिए, 2 से 3 बार आप याद करेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, आपको ये पूरे वन लाइनर फैक्ट याद हो जाएंगे। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर आधारित है, कैलकुलेशन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। प्राकृतिक वरण क्या होता है? चुनना, मतलब मैं यहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित हूँ, तो मैं क्या है, अगर मुझे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ भोपाल में रह रही हूँ, कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मैं ऐसी खुद को ऐसे अनुकूलित करूँगी कि उन चीज़ों को मैं अपने आसपास रख लूँगी, है ना, और तो मैं उसको अपने अनुसार अनुकूलित को, जिस जिस चीज़ की मेरे लिए आवश्यकता हो पड़ती जाएगी, मैं उस चीज़ को अपने पास रखती जाऊँगी, तो मतलब मैं उसको वर्ण कर लूँगी, मतलब हम अपने परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और परिस्थितियों के अनुसार हमारे अंदर कुछ चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जैसे कि हमें गर्मी सहने की आदत हो जाए, हमको पता है हमारे यहाँ बरसात होनी है तो हम बरसात सहने की आदत हो जाए, तो यही सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक वरण का सिद्धांत कहलाता है, जिसे डार्विन ने दिया था। डार्विन और लैमार्क वंशानुगति से संबंधित, बहुत ही इनसे संबंधित प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये 35 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप ये देख सकते हैं, अगर आप 99 रुपीज़ में PDF खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए डिस्क्रिप्शन से या मुझे व्हाट्सअप करके, नहीं खरीद सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं अलग से मेंशन कर दूंगी, नहीं खरीद सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ वीडियो में कवर इनको कर ही रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको इनका अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।